सब्सक्राइब करें आशीष एसबीटी चैनल को, दबाएं बेल आइकन ताकि आपको मिल सके वीडियो के नए नए अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं छुहारे के उपयोग के बारे में। दोस्तों आप छुहारा तो खाते होंगे, लेकिन इसके जो औषधीय गुण है उसे आप जान लीजिए, कौन कौन से काम में आता है। दोस्तों छुहारे का जो सबसे पहला उपयोग है वो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है तो उस केस में आप छुहारे को रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के 2-3 छुहारा खाइए। और इसे अगर आप 1 से 1.5 महीने तक करते हैं तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा हमें कितना इससे बेनिफिट मिला। दोस्तों सेकंड नंबर का जो इसका उपयोग है उसे बता रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। दोस्तों यदि आपका बच्चा या फिर और भी कोई बिस्तर पे पेशाब कर लेते हैं तो उस केस में भी छुहारा उनके लिए एक वरदान साबित होगा। दोस्तों यदि आप कोई एलोपैथ की दवा लेते हैं तो उस केस में आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है जितना एक छुहारे से रिस्पांस मिलता है। दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे तो 50-60 रुपए में आपको छुहारा मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। और इसका अगर आपका बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर लेता है तो उस केस में कैसे प्रयोग करना है हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसको आप रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के अपने बच्चे को खिलाइए और इससे आपको काफ़ी रिस्पांस मिलेगा अगर आपका बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है। दोस्तों इसका तीसरा जो फायदा है वो आपको बता रहे हैं कि महिलाओं में अक्सर होता है माहवारी की समस्या। माहवारी यानी घट बढ़ के आती है या फिर माहवारी साफ नहीं आती है, यानी गंदे खून आते हैं उसमें काले खून। दोस्तों वो भी अगर प्रयोग करती हैं छुहारे का तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों एक घर की दवा है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसको जो इसका जो तीसरा फायदा है वो, अगर आपकी मेमोरी बहुत कमज़ोर है यानी आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है तो उस केस में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। और यदि आपके कहीं घुटनों में या फिर पैर में हाथ में दर्द होता है उस केस में अगर आप छुहारा खाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। दोस्तों डाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यदि आप दुबले पतले होना चाह रहे हैं तब भी आप छुहारे का प्रयोग करिए, ये आपको काफ़ी रिस्पांस देगा। दोस्तों अगर छुहारे का प्रयोग, यदि आपको वीकनेस फील हो रही हो या फिर आपको चलने फिरने में परेशानी आ रही हो, आपको आपके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता हो तो उस केस में आप शहद में भिगो के छुहारा को खाइए। दोस्तों इससे आपको काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों इसका जो और फायदा है वो भी आपको बता रहे हैं कि यदि आपको दमे की बीमारी है यानी अस्थमा है तो उस केस में भी आप छुहारे का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों दमे में यानी अस्थमा में इसका जो प्रयोग करना है वो आपको भिगो के खाना है शहद में। शहद में छुहारे को भिगो दीजिए शाम को और सुबह उठ के खाइए शहद के साथ में। दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइए कि हमें इसके प्रयोग से हमें कितना लाभ मिला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।